नमस्कार। आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी और बेसन से मिठाई, अनोखी और बाहर की चीज़ों से कुछ भी नहीं, जो हमारे घर में है उसी से अवेलेबल से मैं बनाऊंगी ये बर्फी बेसन की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ना कोई कोई बाहर की चीज़ें नहीं, नहीं कोई परेशानी, कोई त्यौहार हो या कोई दिवाली हो या छठ हो या कोई पूजा में है, किसी को पार्टी भी करनी है मीठा खाने को, तो इस तरीके से मिठाई बना के आप खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाते हैं आपको हम बताते हैं। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, कढ़ाई हो चुकी है गर्म। अब इसमें हम डालेंगे घी। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है, घी मैंने लिया है 4 चम्मच। घी गर्म हो चुकी है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम बेसन को हम डालेंगे और इसको हम भूनेंगे। लगातार हम चलाते रहेंगे गैस को, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है जिससे बेसन हमारी ना जले। अब बिल्कुल घर के जो भी चीज़ है अवेलेबल उसी चीज़ से हम बनाएंगे, बाहर की चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई झंझट, बहुत कम समय में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है बेसन की बर्फी। हम आपको बनाना बताते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम सूजी डाल देंगे। तो मैंने ये बेसन लिया है 1 कप, 1 कटोरा लिया था, आधा कटोरा मैंने सूजी लिया था। अब दोनों को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं जिससे इसके कच्चेपन निकल जाए। इसलिए हम बेसन को और सूजी को हम भूनते हैं जिससे इसे कच्चापन निकल जाए, बढ़िया फ्लेवर आए, तो इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से हम भून कर निकाल लेते हैं। अब मैंने ये नारियल का भूरा ले लिया है। आपके पास कच्चे नारियल है तो कच्चे नारियल भी आप पी सकते हैं, गोला वाला है तो उसको भी आप पी सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं दूध। तो आधा कप आप इसमें दूध डाल दीजिए। मैं 1 कटोरा नाप कर मेजरमेंट के हिसाब से मैंने डाला था कोकोनट का भूरा, और मैंने 1 कटोरा दूध ले लिया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, कितना स्पून और कितना बढ़िया ये पीस कर तैयार हो चुका है। लगातार भून लेते हैं, अच्छी तरह से हम भूनते जाएंगे जैसे गुठलिया लम्स ना रहे इसमें। ना खोआ ना कोई मेवा ना कंडेंस मिल्क कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी और बहुत घर के इंग्रेडिएंट से ये चीज मिठाई हम बना रहे हैं। या ऐसे भी आपको खाने का मन होता है तो आप बनाकर खा सकते हैं घर में, लॉकडाउन लगी है मार्केट खुली नहीं है तो आप ऐसे भी बनाकर घर में बनाकर आप खुद बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अभी हल्की ये भून चुकी है, अब इसमें मैंने जो रखा था इसको नारियल से भूरा सब इसमें हम डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम दूध डाल के धोकर इसको हम रख लेते हैं। जार के धोकर डाल दिया था, आपने देख ली है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी भी आप अपने मीठा के अनुसार आप डाल सकते हैं। तो मैंने आधा कप तक इसमें चीनी डाल दिया है, पीसने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें खुद ही मैग्नेट हो जाएगा चीनी। लगातार हम चलाते रहेंगे कि गुठलियां ना बने इसमें। गैस को मैंने लोए पे रखा है।
इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं। आपके पास केसर है तो आप केसर डाल सकते हैं। मैं इसमें फूड कलर डाल दे रही हूँ। फिर मैं चिटकी पर इसमें फूड कलर मैंने इसमें डाल दिया था। देखिए कलर कितना सुंदर आ गया इसका निकल के। अब इसमें हम डालेंगे घी। इसमें मैंने 4 चम्मच और घी डाला है। अच्छी तरह से हम इसको मेल्ट कर लेते हैं। बिल्कुल हम इसको सुखा देंगे। देखिए मेल्ट होकर थोड़ा सा बिल्कुल सेट होते जा रहे हैं। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये कढ़ाई में ना पकड़े। अब गुठलियाँ भी ना बने। ये अच्छी तरीके से अब सेट हो चुकी है। ये देखिए मुझे इसको भूनते हुए 4 से 5 मिनट तक मैंने भी लगातार भून लिया। अब ये सेट होने के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सेट होने के लिए तैयार हो चुका है। गैस को अब हम बंद कर देते हैं। मैंने एक ट्रे में निकाल लिया है। अब इसको इस तरह से हम फैला लेते हैं। अच्छी तरह से हम इसको सेट कर देते हैं। अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। सब इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। इसके ऊपर मैं नारियल के भूरा से गार्निश कर देती हूँ। आपके पास चांदी का पेपर है खाने वाला जो आता है वो है तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं है। मैं आप नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी चॉइस है। देखिए मैं अच्छी तरह से इसको नारियल से मैं इसको डेकोरेट कर दी हूँ। अब हम इसको कट कर लिया है। देखिए आप कोई भी शेप से इसको कट कर सकते हैं। अब हम इस एक तरफ से हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर और कितना रसीले कितना बढ़िया बनकर तैयार है। ये देखिए बेसन की बर्फी बनकर तैयार है। बहुत सुंदर और बहुत स्पाइसी और बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया कितना सुंदर ये बनकर तैयार है। तो आप इसी तरह बनाइए खाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।